अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज आपको मिलवाएंगे उस मशहूर अदाकार से जिसने इश्क की नाकामी के बाद मशहूर अदाकार ने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी भी की तो कुत्ते की रस्सी के साथ ही, अपने गले भी बांध कर उसी रस्सी के साथ खुद को लटका दिया। आज दोपहर को उनकी मौत वाकया होगी। इतने दर्दनाक तमाम चीज़ें देखकर मदा काफ़ी हैरान और परेशान भी, और शोबिज इंडस्ट्री गम में डूब गया। ख़वातीन हज़रात, कौन से हैं वो अदाकार और क्यों की है उन्होंने ये खुदकुशी, इसकी वजह क्या है, ये सब जानेंगे और बताएंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम जिस अदाकार की बात करने जा रहे हैं, वो शोबिज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने बेशुमार फिल्में की हैं जिनमें क्रिश 3, जब वी मिट एंड एक विलन, ये तीन ऐसी सुपर डुपर उनकी फिल्म्स हैं जिसमें उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है। अचानक से इनकी खुदकुशी की खबर ने तमाम मदाओं को और सेलिब्रिटीज़ को हैरान कर दिया है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सभी के फेवरेट फिल्म स्टार, शोबिज़ इंडस्ट्री का बड़ा नाम और उनकी जान बॉलीवुड की। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हम बात करें मरूफ़ अदाकार आसिफ बसरा ने आज जबकि खुदकुशी कर ली। मौत की खबर ने तमाम मदाओं को जहाँ हैरान किया, यहाँ आपको बताते चलें, आखिरी इत्तला के मुताबिक अदाकार एक गैर मुल्की औरत जो है उनसे मोहब्बत करते थे, उनके साथ ही एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। अचानक दोपहर को अपने कुत्ते को लेकर घुमाने बाहर निकले, जब घर वापस आए तो अपने इसी कुत्ते की रस्सी के साथ फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। 50 साल भारतीय अदाकार की मशहूर फिल्मों में क्रिश 3, एक विलन, जब वी मीट और दीगर फिल्में शामिल हैं जिसमें उन्होंने बेहतरीन अदाकारी के शोहर दिखाए हैं। इन्होंने बहुत से नामवर अदाकारों के साथ काम किया और तमाम मदा इनके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी खुदकुशी की वजह क्या थी, कौन सी लड़की है वो जिसके प्यार में हद तक डूब गए कि खुदकुशी करनी पड़ गई। ख़वातीन हज़रात, उनके बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।